तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर देख रही थी तारा। बड़ी शानदार कोठी बनाई से तन्ने। जी करे देखते जाओ देखते जाओ। नसीब वाली हो तुम। इस सुयश की वजह से तुम रावत मेंशन में आ पाई, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? पता है तुम जैसे लोगों को हमारा सिक्योरिटी गार्ड गेट के बाहर भी खड़ा ना रहने दे। किसी के भी कारण से आ तो गिना अंदर। मारा बस चले तो मैं बाहर ही ना जाऊं इतनी बड़ी कोठी से। निकल यहां से, निकलो। बहुत बहुत थैंक यू थारा। मन कर रहा है कि शाम की चाय भी पी के जाऊं। अरे तो रुक जाइए ना, आपकी वो वाली कहानी अगर मेरे सामने हुई होती ना, मैं शूट करके इंटरनेट पे डाल देता और फेमस हो जाता। नहीं बेटा, ये रुक कैसे सकती है? उसे अबुआ गांव जाना है, बहुत दूर है। जाने दो इसे। सुयश बेटा, पैसे दे दिए? जी मॉम, पैसे दे दिए। ठीक है, जाओ अब। हाँ सॉरी सॉरी, माफ कर दे। अरे मैं तो वो इसलिए फोन कर रही थी जानने के लिए कि तुझे वसीयत मिली क्या। रे कमाल करो सो, इतना बड़ा घर से आपको पता से जो कोई है सवेरे आवे ना तो उसने शाम हो जावे सारा घर देखने के लिए। तो फिर? रे टेंशन ना लो, लेजर कुछ ना कुछ कमाल तो कर ही देवेगी। करेगी तू? हो जावेगा। मारे पड़ोस में एक अनुभवी नर्स रह बैसे, उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए कि ना। मतलब? मत बलियो कि आप कमाल सो चाची, आपने मारे सारे रास्ते खोल दिए, सारे काम बना दिए। मैंने? मैंने क्या किया? मैं तो यहीं खड़ी हुई हूँ। ओहो, आप फोन रखो बस, टाटा। ये दर्द तो बढ़ता जा रहा है, ये क्या एक हफ्ते तक मुझे ऐसे ही सहना पड़ेगा? कुछ नहीं होगा आंटी जी, इसमें आपकी कोई गलती ना से। यो गर्दन का दर्द ना इंसान की मति भ्रष्ट कर देवे। मन ने अनुभव से इसका। मैं अपने अभी ठीक कर दियो सो। जयपुर के बेस्ट डॉक्टर ने कहा है कि गर्दन ठीक होने को एक हफ्ता लगेगा, अब तुम कह रही हो कि अभी ठीक कर दूंगी। अपने आप को जादूगर समझती हो क्या? रे जादूगर कैसे लेजर के सामने। मन ने हॉकी खेली से वो भी स्टेट लेवल पे, अपनी और अपनी सहेलियों की अकड़ी गर्दन यूं ठीक करती थी यूं। आपकी अकड़ी गर्दन तो हमारे लिए मच्छर काटे बराबर से आंटी। पांच मिनट में यूं ठीक कर दूंगी कि रसोई से लेके रोड तक बाज से फिरोगे आप। पुत्रा, जब इतने विश्वास के साथ कह रही है तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। हर जी क्या है? चंद, आप तो किसी पे भी विश्वास कर लेते हो। मैं किसी नीम हकीम से ये इलाज नहीं करवाऊंगी। रहने दो अंकल जी, लग गया है कि आंटी घनी डरपोक्स है। रहने दो आंटी जी, अपनी गर्दन के पहले ना आप तो अपने डर का इलाज कराओ। चलो सो, जयराम जी की। ए जयराम जी की, इधर आ, इधर आ। डरपोक नहीं हूं मैं, चल कर इलाज। मैं भी देखती हूँ 5 मिनट में तुम मेरी गर्दन कैसे ठीक करती हो, दिखा तेरा जादू। चल। एक मिनट, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? देखो, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले मेरे को रसोई में जाना पड़ेगा। आप आइए। महाराज जी, रसोई में कड़वा के कैसे? बेटा, ये करेला है और मेथी दाना है, सूरन है। ठीक से सबने मिला के बढ़िया सा रस बना दो। एक बात बोलूं,
आप हमारी बड़ी बहू जैसी बिल्कुल हूबहू दिखती हैं। अच्छा, कैसी थी आपकी बड़ी बहू? क्या बताऊं, बहुत ही भली थी वो। बड़ी कमाल की थी हमारी बड़ी बहू। वो कमाल थी तो मैं दमाल सू। अब बस देखते जाओ महाराज जी के होवे। अब रस बना दो। हाँ। लो, एक झटके में पीजो। पी लो उतरा। ये क्या? क्या हुआ? बहुत कड़वा है ये, मैं नहीं पी सकती। उतरा, अभी तो तुमने कहा था कि तुम डरपोक नहीं हो, तुम पी लोगी। क्या हो गया? पी लो ना। पियो उतरा, पी लो पी लो। आसन करना पड़ेगा। एक तौलिया मिलेगा के? हरिया तौलिया। अरे आंटी। मॉम, गर्दन में मोच है, कमर में नहीं। तालियां लो। अब नीचे झुक के अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर की चप्पल ने साफ करो और दाएं हाथ से बाएं पैर की चप्पल ने साफ करो। क्या मजाक है, मैं ये सब नहीं करने वाली। रह करके तो देखो आंटी, तन्ने अपने सारे दर्द में जाक लगने लगेंगे। मॉम कर लीजिए ना, काफी मजेदार एक्सरसाइज लग रही है। रहा है। वो तो इसलिए क्योंकि मैंने अपना तीसरा स्टेप तो किया ही ना। कोई तो से असली जादू। अच्छा, ये तीसरा स्टेप क्या है? अभी बताओ सु। आ जा आंटी, अरे बैठो। आराम से आराम से। चप्पल उतारो। ठीक होने के लिए तैयार सो आंटी जी? हाँ। तुम करने क्या वाली हो? अभी बताओ सु। एक झटके में आहा से आहा हो जाएगा। इप मेरे तीन गिनने पे तने में मुक्ति दिला दूंगी आंटी। मुक्ति? हाँ, दर्द से मुक्ति। चलो,